तो है व्हाट्सअप गाइस यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी मेरी तरफ फार्मिंग मोड के एलिमेंट्स अपने ट्रैक्टर के पीछे कैसे अटैच कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी कि भाई यार फार्मिंग मोड कब आने वाला है, उसका न्यू अपडेट कब आने वाला है। तो हाँ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी फार्मिंग मोड के जो एलिमेंट्स जो पार्ट्स होते हैं वो अपने ट्रैक्टर के पीछे कैसे अटैच कर सकोगे। तो गाइस यार, आज का गेम प्ले वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस यार, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ गाइस, आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में और कौन कौन सी न्यू चीजें ऐड करवानी हो तो आप मुझे उसका नाम भी कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि गाइस यार, आप जितनी ज्यादा कमेंट्स करोगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में आपके मनपसंदीदा चीज देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि गाइस, आप सभी लोगों को तो पता है कि आपने कमेंट करके बताया था कि गेम के अंदर फॉर्च्यूनर कार चाहिए, तो हाँ गाइस, फाइनली फॉर्च्यूनर कार भी आने वाली है। उसके बाद आपने कमेंट किया था कि फोर्ड एंड्योर कार चाहिए, तो हाँ गाइस, फोर्ड एंड्योर कार भी हमारे गेम में ऐड होने वाली है। और उसके साथ साथ न्यू मॉडिफाइड व्हीकल्स भी हमारे गेम के अंदर ऐड होने वाले। तो गाइस यार, बहुत सारी न्यू चीज़ें हमारे इस अपडेट के अंदर ऐड होने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी मेरी तरह ट्रैक्टर के पीछे टोचन मोड के एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकोगे। तो गाइस, आपको सबसे पहले कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन के अंदर जाकर ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बिग ट्रॉली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, थ्रेसर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं थ्रेसर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं, वैसे ही मेरे ट्रैक्टर के पीछे न्यू थ्रेसर अटैच हो जाता है। तो गाइस यार, थ्रेसर जो है वो फार्मिंग मोड का एक पार्ट है जो कि आप फार्मिंग मोड के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड गाइस यार, आप लोग देखते कितनी ज्यादा आसानी से मैंने जो है वो ट्रैक्टर के पीछे थ्रेसर ऐड कर दिया है। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको ट्रैक्टर के पीछे बिग ट्रॉली भी ऐड करके दिखा देता हूं, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बिग ट्रॉली कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस, फिर से आपको कस्टमाइज के ऑप्शन के अंदर जाना है और यहां पे आप लोग देखते बिग ट्रॉली, जैसे आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो वैसे आपके ट्रैक्टर के पीछे जो है बिग ट्रॉली ऐड हो जाएगी। एंड गाइस यार, आप लोग देखते एक ही क्लिक के जरिए मैंने ट्रैक्टर के पीछे बिग ट्रॉली भी ऐड कर दी है। तो गाइस, आप ऐसे करके हमारे ट्रैक्टर के पीछे आपको जो भी फार्मिंग मोड के न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना है उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से ऐड कर सकोगे। लेकिन गाइस, अभी तक तो फार्मिंग मोड के अंदर का हमें सिर्फ थ्रेसर ही देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन गाइस यार, बहुत ही जल्द फार्मिंग मोड का बिग अपडेट आने वाला है। उस अपडेट के अंदर आपको फार्मिंग मोड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं वो सारे के सारे ट्रैक्टर के पीछे बहुत ही ज्यादा आसानी से अटैच कर सकोगे। जी हाँ गाइस, तो अगर आपको आने वाले न्यू अपडेट में और कौन कौन सी न्यू चीजें ऐड करवानी हो तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ताकि यार मैं गेम डेवलपर से बात करके आपके लिए वो सारी चीजें इस गेम के अंदर ऐड करवा सकूँ जो कि आपको इस गेम के अंदर चाहिए। तो आई होप गाइस, आपको ये न्यू अपडेट एंड ये न्यू गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होगा। एंड गाइस यार, बहुत ज्यादा लोगों की कमेंट्स आ रही है कि यार न्यू अपडेट हमें कब तक मिल जाएगा। तो हाँ गाइस यार, लगभग जो है वो न्यू अपडेट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। आपको इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपको जल्द से जल्द इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जैसे न्यू अपडेट आता है वैसे मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलो दोस्तों यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।